जय श्री राम, राम राम। नमस्कार, एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार शिक्षक बहाली सातवें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। सातवें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। सातवें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। तीन राउंड में सातवां चरण, तो सातवें चरण के लिए दो बातें निकलकर सामने आई। एक है तीन राउंड में और दूसरी बातें हैं 20 नियोजन इकाई की, अर्थात जो नियोजन इकाई की संख्या है और इसके ऑप्शन को लिमिट किया जा रहा है। तो ऐसे में बात करें कि केंद्रीकृत ऑनलाइन बहाली के बारे में, तो केंद्रीकृत के बारे में बातें कर चुके हैं। अगर राज्य स्तर पर मेधा सूची बनती और सभी नियोजन इकाई की बातें सामने आती, अर्थात इसके जगह पर सभी जिले की जो चॉइस की बातें, ऑप्शन की बातें निकलकर सामने आती, तो ऐसे में कट ऑफ में जो उतार चढ़ाव भी नहीं होते और पहले जैसे बातें किए हैं कि जो 20 नियोजन इकाई के बदले जो सभी जिले का चॉइस पहले लिया जाए और उसके बाद जिले अलॉट होने के बाद उसी जो जिले अलॉट हुए हैं अभ्यर्थियों को उसी जिले के सभी नियोजन इकाई को फिर से ऑप्शन दिया जाए सेलेक्ट करने का दो स्टेप में। तो ऐसे में बातें करें तो ऑनलाइन केंद्रीकृत बहाली होती, लेकिन ऐसी बातें जो अब स्पष्ट नहीं हो रही है। और आप लोग जानते हैं राउंड में काउंसलिंग की बातें हैं, जैसे छठे चरण की प्रक्रिया में भी आप लोग सुने हैं और देखे भी होंगे, जो पेपर के माध्यम से आप लोग देख चुके होंगे, जिसमें राउंड में काउंसलिंग की बातें थी प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए और माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली अभी भी चल रही है छठे चरण की। तो यही बातें हैं, इस पर बातें कर चुके हैं हाईकोर्ट में, यह मामले लंबित हैं। तो ऐसे में आप लोग यह जान सकते हैं कि जो राउंड की बातें आई है सामने, तो पहला राउंड की बातें करें जो 20 नियोजन इकाई भी सेलेक्ट की बातें आ रही है, और ऐसे में यह हो सकता है कि जो 20 नियोजन इकाई तो कट ऑफ में उतार चढ़ाव होगा, जैसे छठे चरण की प्रक्रिया में आप लोग देख चुके होंगे। और साथ में आप लोग छठे चरण की प्रक्रिया में यह भी देखें कि पद भी रिक्त रह जाते हैं, पद भी खाली रिक्त रह जाते हैं। तो यही बातें हैं, तो ऐसे में इसमें भी यही संभावना है कि जो पहले राउंड में हो उसके बाद पद ज़्यादा से ज़्यादा रिक्त रह जाएँ, 20 नियोजन इकाई का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। और उसके बाद और कट ऑफ में तो उतार चढ़ाव काफ़ी आएंगे, अधिक मेधांक वाले का भी नहीं होगा, कम मेधांक वाले का भी हो सकता है, इस पर बातें कर चुके हैं। तो उतार चढ़ाव इससे आएगी ही कट ऑफ में। वैसे यदि राज्य स्तर पर बनती मेधा सूची, अर्थात जो जिले की ऑप्शन की बातें की हैं पहले उसके बाद, या फिर दूसरा ऑप्शन था यह तो माध्यमिक के लिए, तो लगभग इसमें भी समस्या है। दूसरा ऑप्शन जैसे कि जो सभी नियोजन इकाई का 20 नियोजन इकाई के अलावे अंतिम में सभी नियोजन ऑल नियोजन इकाई का ऑप्शन दिया जाए, तो इससे समस्या आएगी। इससे जो है आप लोग जानते हैं सेलेक्ट करने में जो शिक्षा विभाग को भी समस्या आ सकती है। लेकिन जो बातें हैं कि जो जिले का ऑप्शन दिया जाता है, तो इसमें कोई समस्या की ज़्यादा बातें नहीं है। दो स्टेप जरूर होंगे, लेकिन सभी प्रक्रिया पोर्टल से पूरी की जा सकती है। तो यही खबरें हैं। लेकिन जो तीन राउंड में, तो पहले राउंड में आप लोग जान चुके हैं, जैसे कि छठे चरण की प्रक्रिया में आप लोग देख चुके हैं, तो उसी अनुसार से बातें करें तो पहले राउंड में यह होगा कि अधिक मेधांक वाले का होगा। उसके बाद दूसरे राउंड की बात करें तो दूसरे राउंड में उससे कम एवरेज का मानकर चलें, लेकिन पद सभी राउंड के बाद भी, अंतिम राउंड के बाद भी पद बिल्कुल ही रिक्त रहेंगे ही, पद ज़्यादा से ज़्यादा पद रिक्त रह ही जाएंगे। छठे चरण की प्रक्रिया में भी आप लोग देख चुके हैं और यह प्रक्रिया काफ़ी समय तक भी चलेगी। राउंड तो ऐसे भी होते जैसे कि राज्य स्तर पर मेधा सूची बनती और फिर भी केंद्रीकृत रूप से बनती, पहले जिला का चॉइस उसके बाद नियोजन इकाई का दूसरे स्टेप में, तो फिर भी राउंड होते हैं। लेकिन इसमें अधिक राउंड होंगे, लेकिन फिर भी पद रिक्त रह जाएंगे जो 20 नियोजन इकाई को लिमिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। और उससे भी बड़ी बात है कि कट ऑफ में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगी हर नियोजन इकाई में। तो यही बातें हैं। और तीसरे राउंड, अंतिम राउंड की बात करें तो अंतिम राउंड में तो कट ऑफ में गिरावट आएगी, जैसे कि आप लोग फिजिकल टीचर में देख चुके हैं। तो फिजिकल टीचर में ये हुआ कि उसमें भी आप लोग जानते हैं कि जो विज्ञापन में बात करें तो उस समय में फिजिकल टीचर या फिर कोई भी जो है तो उसमें विज्ञापन में नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में ही इतने पद आए, 8000 से भी अधिक पद आ गए बाद में, तो सरकार का पहल रहा उसमें और 8000 से भी अधिक पद फिजिकल टीचर में दिए गए और क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम थी, उसमें 3000 करीब में क्वालिफाइड हुए थे। लेकिन फिर भी आप लोग जान सकते हैं कि जी वो फिजिकल टीचर में यह बातें आई सामने की, उसमें भी अभ्यर्थियों की बात करें तो कट ऑफ काफ़ी गए, उसके बाद भी बहुत सारे अभ्यर्थी का बाद में भी पता चला है कि कम ही अभ्यर्थियों का उसमें चयन हो सका है। तो वही बातें हैं, 3500 करीब थे लेकिन उसमें भी कम ही का हुआ है।
तो इसीलिए चाहिए कि जो अभ्यर्थी हैं तो प्रयास करें कि जो राज्य स्तर पर मेधा सूची केंद्रीकृत रूप से बने, जो बातें की गई है केंद्रीकृत बहाली के बारे में। तो ऐसे में यह होगा जो छठे चरण की तरफ बातें करें तो छठे चरण में आप लोग घूम घूम कर या फिर डाक के द्वारा आवेदन किए थे, अप्लीकेशन फॉर्म भरे थे हाथ से, तो यही बातें हैं। लेकिन इसमें यह सिर्फ इतना ही बदले।